बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज है 6.7। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें जो उन्होंने हमें सिचुएशंस बताई हैं या कुछ स्टेटमेंट हमें दी है, वो ये है। कहते हैं फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलिंग बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला को यूज़ करते हुए नीचे जो दिए गए हैं हमारे पास नंबर, उनके आपने क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है जी। अब ये देखिए, नेक्स्ट जो उन्होंने हमें सिचुएशन दी हैं जी, एक तो है 13, 103, 0.99। तो मैं आपको समझाने के लिए इसका फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, वो है 13। अब हमने इनका क्यूब फाइंड आउट करना है, तो क्यूब फाइंड आउट करना है, और वो भी ऐसे। तो हम 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, मीन्स 13 मल्टीप्लाई 13, तो हम इसका क्यूब जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने बात की है बाय यूजिंग फार्मूला, तो इसलिए हमें अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ जी। सबसे पहले हमें जो 13 है, उसे हमने उसके 2 टर्म्स जो है वो उस फॉर्म में से लेके आना है। जैसे 13 है, 13 की हम 2 टर्म्स यहाँ पे जब राइट करते हैं तो वो इस फॉर्म में होंगी। ये देखिए एक दफ़ा, इस तरह से 13 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 जी। हमने 13 की 2 टर्म जो है वो बना ली हैं, वो क्या है 10 प्लस 3, तो किसके इक्वल आ जाएगा 13 के। अब हमने क्या करना है कि अब हम इसका क्या लेंगे, क्यूब लेंगे यहाँ पे, टेकिंग क्यूब जी। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं टेकिंग क्यूब जी। हमने क्यूब लिया है इनका, तो क्यूब हम इस तरह से राइट करेंगे, 13 क्यूब इज इक्वल टू 10 प्लस 3 क्यूब जी, इस फॉर्म में। अब मैं आपको यहाँ पे जो फार्मूला यहाँ यूज़ होगा वो मैं बताऊँगी। तो राइट करते हैं सबसे पहले बाय यूजिंग फार्मूला जो कि फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं जी। जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो इस फॉर्म में है, ज़रा चेक करें जी। ए प्लस पी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 AB इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब जी, इस फॉर्म में है। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, हम सेम टू सेम वैसे ही हमारे पास जो ऊपर 10 प्लस 3 है, हमने उसे ले लेना है, और उनका क्यूब जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखें अब जैसे बच्चे, ऊपर उन्होंने हमें यहाँ पे दिया है 10 प्लस 13 क्यूब, आपने इसे जो है इस फॉर्म को आपने ए समझ लेना है जी। फर्स्ट टर्म जो है वो एज आ ए आपने कंसिडर करना है, और सेकंड को आपने बी, और जैसे जो उन्होंने सिचुएशन बताई है हमने वैसे वहाँ पे पुट करते जाना है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर हम इसे इस तरह से राइट करें जी क्यूब, तो ये इस तरह से होगा फिर जी 10 क्यूब प्लस 3 10, बी क्या है हमारे पास 3, फिर उसके बाद ए क्या है 10, और बी क्या है 3 प्लस 3 क्यूब जी। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है, 10 को जब 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करें, मींस के 10 इस तरह से 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1000, तो इसके लिए हम राइट करेंगे 10 टेन्स 100 एंड 100 टेन्स 1000 प्लस जी 3 को। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसे, 10 को 3 से, तो क्या आ जाएगा 10 थ्री ज़ा 30 एंड 30 थ्री ज़ा 90 जी, 90 आएगा, और 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 30 प्लस 3 थ्री ज़ा 9 एंड 9 थ्री ज़ा 27 जी। दोबारा सुन लें, 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 8 क्लास, 3 थ्री ज़ा 9 एंड 9 थ्री ज़ा 27 जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम राइट करेंगे 1000 प्लस, अब देखें जब हम
90 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से होगा बेटी, जैसे कि 13 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास है 13 9 ज़ा 117 और साथ ये 0 आएगा, फिर प्लस 27। अब हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो 9 में 9 7 0 प्लस 0 तो 7, फिर 2 प्लस 7 आ जाएगा 9, 7 0 था तो वो तो 0 ही है, उसे ऐड भी करेंगे तो वो 9 रखेगा इसे। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो आएगा 1 1 प्लस 0 1 एंड 2 प्लस 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। तो 8 क्लास इस तरह से हमने क्वेश्चन को क्या किया है जो है हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, क्यूब हमने फाइंड कर लिया है। अब आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 10 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 13 क्यूब इज़ इक्वल टू 2197। तो 8 क्लास आज के लिए इतना ही था क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी पार्ट जो हैं इसके वो भी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, लेकिन जो आपने होमवर्क करना है वो ज़रा देखिए डायरी या क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 होमवर्क एक्सरसाइज 6.7। तो 8 क्लास आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।